हाय गाइस, आज हम गए थे कोस्टा कॉफ़ी और दिस इज़ वन ऑफ दोज कैफ़ेज़ जो मुझे जितने भी नए कैफ़ेज़ अभी खुले हैं रिसेंटली उनमें से मुझे इनकी कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप इनका डेकोर देखो तो इनका डेकोर भी बहुत अच्छा है। इनका जो अलग सा एक पर्पल कलर यूज हुआ है, पर्पलिश रेड प्लस पिंक, ही बहुत अच्छा लगता है। ये रहा मैं और हमने ऑर्डर की इधर कॉफ़ी और एक कैरमल कॉफ़ी और चीज़ केक और एक सैंडविच था। तो इन्होंने इसको काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेट किया हुआ है। यहाँ पे साउंड का इशू था एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट वेरी इजी टू यू नो कैरी माइक एंड स्टफ एवरीवेयर। तो आई एम डूइंग वॉइस ओवर, इससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप मतलब कंफर्ट में वीडियो भी बना सकते हो। इसकी जो लोकेशन है दैट इज़ इन DHA और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो सुबह 7 बजे से खुला होता है और रात तकरीबन 2 बजे तक इट्स ओपन। तो जब इसका रश किया आप देखो, रश आवर्स की बात करो तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे मिडनाइट पे ज़्यादा रश होता है क्योंकि इधर यहाँ कॉफ़ी मिलती है और सैंडविचेस हैं और केक्स वगैरह हैं। तो विच इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल से के जो आपका वो है कॉफ़ी है वो रात को अगर आप पीते हो तो आपको इतनी कोई ख़ास नींद नहीं आती। बट ये है कि यहाँ पे मशहूर है। हाँ देखें, इसकी ब्रांचेस जो हैं वो इस्लामाबाद और लाहौर और कराची में है अब तक की। यस, तो ये आ गया हमारा इधर चीज़ केक विच आई ऑर्डर्ड बिकॉज आई लव चीज़ केक। बाकी दिस वॉज एलपिनो सैंडविच, ये एलपिनो सैंडविच भी आ गया और सरप्राइजिंगली सैंडविच जो था उसका टेस्ट ऐसे ही है जिस तरीके से आपको एयरपोर्ट्स के ऊपर सैंडविचेस और ये मिलते हैं। देखिए, आई लव द चीज़ केक, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो जस्ट गिविंग थम्स अप। बाकी ये कॉफ़ी आ गई और ये वाला जो सर्वर था ये पूछ भी रहा था कि आपने क्या व्लॉगिंग स्टार्ट की, मैंने कहा हाँ अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है। ये आप देखें कॉफ़ी के ऊपर जो एक डिज़ाइन बना हुआ है, ये कोस्टा कॉफ़ी का ही डिज़ाइन है। तो ये कॉफ़ी बीन्स बने हैं। बाकी दिस वन इज़ सॉल्टेड कैरेमल कॉफ़ी, इसका टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगा और मैं हमेशा जब भी जाता हूँ आई ऑलवेज ऑर्डर यही वाली कैपेचिनो। इसका टेस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट्स नॉट वेरी स्वीट एज वेल। तो मुझे कॉफ़ी विदाउट शुगर ही अच्छी लगती है। यस, आई वॉज हैप्पी टू हैव टू ट्राई इट और या आई एम लाइक ट्राइंग सैंडविच। इसका टेस्ट ऐसी था जिस तरह से हम लोगों ने इस्लामाबाद वाले जब एयरपोर्ट पे हमने सैंडविच खाया था तो वैसे ही इसका टेस्ट लग रहा था। तो यहाँ पे आई एम ट्राइंग चीज़ केक और एज ऑलवेज मुझे इनका चीज़ केक अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जब सर्वर से बात कर रहा था तो उस वक्त एटलीस्ट वीडियो तो बना लेते बट वो नहीं बनाई थी, तो उस पर मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि उधर वीडियो बन रही है क्योंकि सर्वर बता रहा था अबाउट द कैफे एंड स्टफ, तो उससे आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती। यस, बाकी इस कैफ़े की जो लोकेशन है ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, इसी के आसपास पॉल भी है और आला राही रेस्टोरेंट भी है। इधर रिसेंटली एक साउथ कोरियन रेस्टोरेंट भी बना है मिंगजू के नाम से। वी हैवन बीन देर येट बट आई प्लान टू गो देर, दैट्स अ हॉट पॉट। जी, तो दिस इज़ देयर आउटलेट, ठीक है, अंदर से ऐसा दिखता है। ये वही जो मेरी कॉफ़ी के ऊपर बीन्स बने हुए थे वही वाली बीन्स है और नीचे जो इसकी बेसमेंट है वहाँ पे भी अगर आपकी कोई बड़ी पार्टीज होती हैं तो वहाँ पे यू कैन बुक दैट प्लेस। येस, दिस इज़ द टॉयलेट और यहाँ पे आई एम लाइक जस्ट वेविंग गुड बाई टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइज, बाय।